तो बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है यार? इट इज़ दी इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम आउटसाइड दी नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड नॉर्मल एंडो मेट्रियल कैविटी, ठीक है, आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी के ये इम्प्लांट करता है ओवम। कहाँ पे इम्प्लांट करता है यार? साइड्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक एक्स्ट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा यूट्राइन। यूट्राइन कैविटी के अंदर एंड इंट्राइन कैविटी के बाहर। एक्स्ट्रा यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन, अगर हम बात करें इंट्रा यूट्राइन की, मतलब यूट्राइन कैविटी के अंदर की, तो ये सर्विक्स के अंदर दैट इज सर्वाइकल एंगल में हो सकता है, दैट इज एंगुलर, है ना, कॉर्नुअल, सी स्कार, सी सेक्शन अगर हुआ है उसके स्कार में जाके ये इम्प्लांट कर सकता है। इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन एंडोमेट्रियल, सॉरी इंट्रा यूट्राइन एक्टोमिक प्रेगनेंसी। एक्स्ट्रा यूट्राइन की बात करें तो यूट्राइन कैविटी के बाहर यार ये कहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवेरी के अंदर, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड एब्डोमेन के अंदर, तो एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें ट्यूबल की, तो फेलोपियन ट्यूब में सबसे कॉमन साइट क्या है भाई जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है? वो है एम्पुला। एम्पुला के बाद है इस्थमस, इस्थमस के बाद है इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलर के बाद है इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस है कॉमन साइट का। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ट्यूबल है, एंड ट्यूबल में भी एम्पुला। अगर हम कारण की बात करें कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो होता क्यों है भाई, इटियोलॉजी की बात करें, सो सबसे कॉमन कॉज क्या है यार? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज अगर किसी को है ना, अगर किसी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज या फिर इन्फ्लामेशन है ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्पिंजाइटिस। सो उस केसेस में हमारे पास ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है ना, वो जो फर्टिलाइज ओवम है वो वहाँ पे नहीं आ पाया यूट्राइन कैविटी के अंदर, या फिर ट्यूब का लाइगेशन हो गया है। ट्यूबल लाइगेशन के केसेस में हमारे पास ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिल सकता है। इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, है ना, अगर पहले किसी को हिस्ट्री रही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। ओके, एंड अगर कोई आर्टिफिशियल और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्या हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, है ना। अगर एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन हो गया है किसी का, दैट इज़ एंडोमेट्रियोसिस, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं यार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, उसकी वजह से हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग कर रही है, फिर स्मोकिंग जो मदर है उसमें ज़्यादा चांसेस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, है ना। बढ़ते एज के साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो बढ़ते जाता है। नाउ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, अब किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है तो हमको अगर एक्यूट प्रेजेंट करता है क्या? हाँ बिल्कुल, अचानक से भी प्रेजेंट करता है। कब? जब रप्चर हो जाता है अगर ट्यूब में हुआ है, या फिर अनरप्चर्ड, है ना, रप्चर्ड प्रेजेंटेशन हो सकता है, अनरप्चर्ड प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर सब एक्यूट, जो कि कब होता है सब एक्यूट प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ क्रॉनिक, हमको पता नहीं रहता, धीरे धीरे पता चलता है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना भाई, है ना, वो कैसे पूछा जाता है? कर्सेस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग बताओ, और मोस्ट कॉमन कर्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग इज व्हाट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वो बताओ। तो इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो कर्सेस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग की बात करें, सो इट कैन बी ड्यू टू व्हाट, है ना, हमारे पास सबसे कॉमन जो है इम्प्लांटेशन की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है यार, कॉमन है। अगर गलत जगह में इम्प्लांट कर गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यहाँ पे हमारे पास ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना। इन केसेस ऑफ एबॉर्शन अगर बच्चे का हो गया, तो उस केस में हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है यार। अगर प्रेगनेंसी कैसा है, मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक से ट्रोपोप्लास्टिक टिश्यू डेवलप नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो ब्लीडिंग है इट इज़ नॉट नॉर्मल, है ना। कुछ लोकल कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, लाइक सर्वाइकल कार्सिनोमा, है ना। इन केसेस ऑफ सर्विसाइटिस अगर इन्फ्लामेशन हो गया है सर्विस का, तो उस केसेस में भी हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं यार, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के केसेस में यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग देखने को मिलती है यार।
सो ये हमने बात की अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे जो हमको देखने को मिलता है। सो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, तो पहले बात तो समझना है यार प्रेगनेंसी में क्या होता है। प्रेगनेंसी में हमारे पास एमिनोरिया देखने को मिलेगा एंड इट इज़ फॉलोड बाई वॉट, एमिनोरिया इट इज़ फॉलोड बाई एबडोमिनल पेन। प्रेगनेंसी में तो हुआ ही होगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो सिम्टम्स में हमारे पास ट्रायड देखने को मिलता है यार, ट्रायड, ट्रायड ऑफ व्हाट, ट्रायड ऑफ एब्डोमिनल पेन है ना, ट्रायड ऑफ ब्लीडिंग एंड इसके साथ साथ एमिनोरिया जो कि प्रेगनेंसी का ट्रायड है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कभी कभी सिनकोपल अटैक्स भी हो सकते हैं, चक्कर खा के लीड गिर जाते हैं जो कि हम फिल्मों में देखते हैं ना, उस प्रकार के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। साइन की बात करें तो साइन में हमारे पास ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है यार, है ना, इट कैन बी मतलब कुछ केस केसेस में शॉक भी देखने को मिलता है ना, शॉक के केसेस में यहाँ पे टेकीकार्डिया हमको देखने को मिल जाएगा यार, है ना, फीबल पल्स जो होंगे, पल्स बहुत धीमा होगा, है ना, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होंगे। सो ये हमारे पास साइंस में देखने को मिलते हैं। और क्या यार, पैलर देखने को मिल सकता है मदर के अंदर, जनरली मोस्ट ऑफ फीमेल्स आर एनेमिक इन इंडिया, तो पैलर तो होता ही होता है, एब्डोमेन जो है थोड़ा सा फूल जाता है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है यार, हीमोपेरिटोनियम, हीमोपेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम के अंदर कुछ फीलिंग अगर हो गई तो उसकी वजह से कुछ साइंस देखने को मिलते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो क्यूलेन साइंस की, कूलेन साइन जिसमें क्या होता है, ब्रूजिंग अराउंड द अम्बेलिकस देखने को मिलता है, ब्रूज अराउंड अम्बेलिकस। दूसरा क्या है, टर्नर साइन, टर्नर साइन में यहाँ पे हमको ब्रूज अराउंड फ्लैंक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम परवेजाइनली इंस्पेक्शन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें हमारे पास सर्वाइकल टेंडरनेस देखने को मिलता है यार, सर्वाइकल टेंडरनेस है ना, फुलनेस देखने को मिलेगा, फुलनेस इन द पाउच ऑफ डगलस, फुलनेस इन द पाउच ऑफ डगलस। एंड जब इसको जिसको अगर हम एस्पिरेट करते हैं, सो उसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कोई ब्लड क्लॉट नहीं होता यार, सो नॉन क्लॉट ब्लड, ये क्यों क्लॉट नहीं होता, बिकॉज पेरिटोनियल फाइब्रिनोलाइसिस देखने को मिलता है। ओके नाउ अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, सपोज कर कोई पेशेंट आया हमारे पास, वो अगर स्टेबल आ रहा है तो क्या कराएंगे, अगर वो अनस्टेबल कंडीशन में आ रहा है तो क्या कराएंगे, अगर स्टेबल कंडीशन में आ रहा है तो पहले तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग कराएंगे यार, है ना, एंड वो पॉजिटिव आया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं, एंड ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी हो सकता है, इट कैन बी एक्टोपिक एंड सस्पेक्ट ऑफ एक्टोपिक, सस्पेक्ट ऑफ एक्टोपिक कब सस्पेक्ट करेंगे भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पेक्ट जब हमारे पास एम्प्टी है यूट्राइन कैविटी, अगर एम्प्टी है तो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, और फिर भी HCG अगर बढ़ा हुआ है तो, है ना, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर साइन अगर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, एडनिक्सल मास देखने को मिल रहा है अगर, सो हो सकता है कि यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। सो इस केस में हम क्या करते हैं, सस्पेक्ट होता है अगर एम्प्टी यूट्राइन कैविटी, रिंग ऑफ फायर साइन है, एडनिक्सल मास है, तो इस केस में क्या करते हैं, सीरम HCG का जांच कराते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग के बाद भी, अगर ये सीरम HCG का जो लेवल है इट इज़ मोर देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट, देन ये सस्पेक्ट कंफर्म हो जाता है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फिर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर ये लेस देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिपीट करते हैं भाई यहाँ पे HCG को, सीरम HCG आफ्टर 48 आवर्स,
एंड इसमें जो अगर सीरम HCG जो है वो सीरियल यहाँ पे करते हैं, मतलब बार बार कर रहे हैं ना, है ना, अगर 24 घंटे के बाद हमने 48 आवर्स के बाद जो हमने किया है उसमें अगर ये बढ़ा हुआ आ रहा है मोर देन 33% जो हमने कराया था 48 आवर्स पहले, तो ये बता रहा है कि ये इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, मतलब एक्टोपिक नहीं है। एंड अगर ये कम हो गया उससे सीरम HCG तो हो सकता है कि एबॉर्ट हो गया हो बच्चा, तो एबॉर्शन की वजह से ऐसा होता है। ये इंक्रीज़ तो हुआ बट लेस देन 33%, देन इट इज़ सस्पेक्ट ऑफ व्हाट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन की। अगर स्टेबल पेशेंट आया तो, अगर अनस्टेबल पेशेंट आया तो उसमें क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रिससिटेशन भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी हमको क्या करते हैं यार, रिससिटेशन करना पड़ेगा, जो हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न देखना पड़ता है, IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, IV लाइन्स खोलने पड़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग करेंगे रिससिटेशन के बाद, अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्टिंग में पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस, क्या पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं है। ठीक है ना, अगर पेरिटोनाइटिस के साइन प्रेजेंट हो सकते हैं फिर एबसेंट हो सकता है, अगर प्रेजेंट है तो ऑपरेट करेंगे भाई, अगर एबसेंट है सो फास्टली हम क्या करते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल फास्ट कराएंगे, है ना। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, OT, है ना। फोकस्ड, व्हाट इज़ फास्ट चाहिए, फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल ब्लीड है तो OT करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ फास्ट, इट इज़ फोकस असेसमेंट विथ सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा। तो योगी हमने बात की अबाउट इन्वेस्टिगेशन की बात किया, नाउ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तो मैनेजमेंट हमसे पूछा जाता है, मैनेजमेंट दो तरह होते हैं, सो दो केसेस होते हैं यार, अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर वो रप्चर्ड हो गई या फिर रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका ट्रीटमेंट हमसे पूछा जाता है अलग, एंड एक होता है अनरप्चर्ड। ठीक है, तो रप्चर्ड में क्या करेंगे एंड अनरप्चर्ड में क्या करेंगे, ये हमसे पूछा जाता है मैनेजमेंट में। ठीक है, सो रप्चर्ड में क्या करेंगे भाई, पहले तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो दो चीज़ें हैं, पहले तो रप्चर्ड होके आया तो इमरजेंसी में आएगा तो रेसस्टेशन करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे भाई, दो IV लाइंस लगाते हैं पहले तो 14 गॉज का, उसके बाद यहाँ पे हम IV फ्लूइड्स देंगे, है ना, जिसमें हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं, कोलॉइड्स दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या कराते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, यार बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो गया तो। ये रिससिटेशन की बात की, नाउ सर्जरी की बात करें रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो कौन से रूट से सर्जरी करते हैं, यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक लूप से, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लैप्रोटॉमी कर सकते हैं यार, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिलेटरल सेल्पिंगेक्टॉमी, है ना, फेलोपियन ट्यूब को निकाल देंगे जहाँ पे रप्चर्ड हुआ है। ये हो गया रप्चर्ड की इसकी बात ना, अगर अब अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है कि हम प्रिवेंट करें, है ना, सेव सेव द ट्यूब इज द प्रिंसिपल, ट्यूब को बचाना है अपने को। प्रिंसिपल ऑफ अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी, सेव द ट्यूब, जिसमें हमारे पास दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं यार, एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक होता है सर्जिकल। ओके, सो अगर हम बात करें अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो इसमें हम कहते हैं मिथोट्रेक्सेट एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा, यहाँ पे हम KCL लाते हैं, KCL दे सकते हैं यार, मिफी प्रिस्टोन दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं,
यहाँ जो मेथोटेक्सेस का ट्रीटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे ठीक है। सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, तीन जगह सर्जरीज होती हैं, तीन प्रकार की। एक होता है लीनियर सेल्पिंगो स्टोमी, स्टोमी मीन समथिंग लाइक स्टोमा, स्टोमा मतलब छेद बना रहे हैं, स्मॉल छेद बनाते हैं भाई, किसके मदद से, हाइड्रोडिसेक्शन एंड सूचरिंग नहीं करते, जिससे वो बच जाता है। एंड सेगमेंटल रिसेक्शन कर सकते हैं, जिस पार्ट में हुआ उसको रिसेक करके निकाल दें, या फिर पूरा फेलोपियन ट्यूब को निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्पिंगो और सेल्पिंगेक्टॉमी। इसके साथ साथ अगर चांसेस हैं कि यहाँ पे इन इट्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाए, तो यहाँ पे सब किसी के साथ हम कहते हैं एंटीडी इंजेक्शन देते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मीथोट्रेक्सेट, या ड्रग ऑफ चॉइस है मेडिकल ट्रीटमेंट में टू प्रिवेंट व्हाट, टू सेव द ट्यूब। तो यहाँ पे जो मीथोट्रेक्सेट है उसका डोज कितना है, वो कैसा करता है, वो कैसा चलना है, मीथोट्रेक्सेट कैसे देना, वो इम्पॉर्टेंट है। जो मीथोट्रेक्सेट यहाँ पे जो डोज देते हैं वो 1 मिलीग्राम होता है यार पर केजी, ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, इसका 7 डोजेस देते हैं ठीक है, डोज सब 1 मिलीग्राम पर केजी का ठीक है। सपोज डोज 1 दिए, डोज 4 में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं एचसीजी लेवल को ठीक है, सीरम एचसीजी लेवल को मेज़र करते हैं यहाँ पे। उसके बाद डोज 7 में भी हम क्या करते हैं, सीरम एचसीजी लेवल को मेज़र करते हैं। एंड अगर डोज 7 में जो सीरम एचसीजी हमने देखा, डोज 7 में जो सीरम एचसीजी लेवल देखा, तो डोज 7 में अगर फॉल देखने को मिला है सीरम एचसीजी लेवल का मोर देन 15%, जो एचसीजी लेवल हमने कब देखा था, जो एचसीजी लेवल हमने जब फोर्थ डोज दिए थे ना, तो उस समय जो हमने एचसीजी लेवल देखे थे, वो अगर उससे 15% से ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है मेथोटेक्सेट का वो सक्सेसफुल हो रहा है यार। लेकिन अगर मोर देन 15% का फॉल नहीं हुआ 7 डोज देने से, है ना, 4 डोज के कंपेरिजन में, तो हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं डोज को, रिपीट दी डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट ठीक है। फिर से वही है ना, D1 देंगे डोज 1, नया डोज देंगे, फोर्थ डोज देंगे, फिर से इसमें सीरम एचसीजी लेवल देखेंगे, 7 डोज देंगे उसमें फिर से सीरम एचसीजी लेवल देखेंगे। एंड ये मैक्सिमम ये जो साइकिल है वो 3 बार चला सकते हैं, है ना, 3 बार। हमारा टारगेट वही है भाई कि हमारे पास 7 डोज में 15% से ज़्यादा फॉल होना चाहिए फोर्थ डोज के कंपैरिजन में, बट फिर भी 3 बार दे दिए हमने मेथोट्रेक्सेट, फिर भी हमारे पास जो सीरम का एससीजी है वो लेस देन 15% नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल्ड कर गया यार। सो फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट हमको जा सकता है। तो हमने बात की अबाउट मिथोट्रेक्सेट के ट्रीटमेंट की, हमने बात की रपच्चर्ड एक्टोपिक पेंडेंस, जो कि हमसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द कॉज है यार, मतलब अनरपच्चर्ड का पूछा जाता है, रपच्चर्ड का अलग से पूछा जाता है ठीक है ना। मैनेजमेंट की बात की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात की, हमने कॉजेज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जिसका एक इंपॉर्टेंट कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो पेशेंट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब क्यों होता है उसकी बात की है ना, के देन साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर।